कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने पार्टी के नेताओं को संविधान की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश भक्ति के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, सीएए और एनआरसी से डराया और धमकाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार आज छात्रों की आवाज को दबाना चाहती है, डराने वाला मुंह बंद करने की कोशिश करती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे दिल में अहिंसा और करुणा है, झूठ से देश उब चुका है, कायरता को देश पहचान रहा है, आवाज उठाने पर बच्चों को मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले देश में एनआरसी की बात फैलाई और अब कह रहे हैं कि एनआरसी की चर्चा नहीं। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 नीति मार्ग शीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इति द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। पहचानिए इस कार्यक्रम को जो देश भर में चर्चा फैला के, जो देश भर में एनआरसी की चर्चा फैला के आज कहते हैं कि चर्चा ही नहीं थी। ये देश आपको पहचान रहा है, आपकी कायरता को पहचान रहा है और आपके झूठों से उब चुका है, उब चुका है ये देश। आपके झूठ नहीं चाहिए, इस देश को सच्चाई चाहिए।